परिवार हर किसी की ताकत होता है। यदि परिवार साथ हो तो हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते, किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है। सच कहे तो परिवार संस्कृति और जीवन मूल्यों की पहली पाठशाला। परिवार से हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है, लेकिन आज के दौर में परिवार की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी। संयुक्त परिवार धीरे धीरे एकल परिवार में तब्दील हो चुके हैं। परिवार तो हमारे जमाने हुआ करता था, क्या परिवार था, दो बीवी दस दस बच्चे, आजकल क्या परिवार थोड़ी है। परिवार में माता पिता की कीमत कम होने लगी, भाई बहन का प्यार कम होने लगा है। ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्में हैं जिन्हें देखने के बाद हमें परिवार की अहमियत पता चलती है। ऐसी फिल्मों की कड़ी में एक और फिल्म जुड़ चुकी है जिसका नाम है गुलमोहर। तो चलिए इस वीडियो में गुलमोहर के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। राहुल चितेला द्वारा निर्देशक में बनी गुलमोहर में मनोज बाजपेयी, शर्मिला टैगोर, सूरज शर्मा, सिमरन, प्रामोल पालेकर जैसे बेहतरीन कलाकार शामिल हैं। ओटीटी की दुनिया में अपनी वेब सीरीज द फैमिली मैन से उन्होंने अभिनय में अपनी धमाल मचाई। उनके अभिनय का हर कोई दीवाना है। और शुल से लेकर रे और डायल 100 तक हर एक फिल्म और वेब सीरीज में अपने अभिनय से उन्होंने ये साबित कर दिया कि कैरेक्टर कैसा भी वो उसे जीवंत कर ले। इस वेब सीरीज के जरिए पूरे 12 साल के बाद शर्मिला टैगोर ने एंटरटेन इंडस्ट्री में अपनी वापसी कर ली। उन्होंने मनोज बाजपेयी की माँ का किरदार निभाया। माँ बेटी की जोड़ी ने कमाल का काम किया। ट्रेलर में जिस तरह की कहानी दिखती है, जिस तरह के संवाद इस्तेमाल किए गए, उसे पता चलता है कि फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। वेब सीरीज के शुरुआत में दिखाया जाता है कि बत्रा फैमिली में पार्टी चल करके सभी लोग पार्टी का आनंद। इसी बीच में कुसुम बत्रा ऐलान कर देती है कि उन्होंने अपना पुश्तै घर बेचकर पुंडुचेरी में नया मकान खरीदा और आज के बाद वो वहाँ पर अकेली रहे। ये बात सुनकर परिवार के सारे लोग हैरान हो जाते, लेकिन सबसे ज्यादा दुख घर के सबसे बड़े बेटे मनोज वाजपेयी को होता है, क्योंकि एक तरफ उनकी माँ उनको छोड़कर चली जा रही है और दूसरी तरफ उनका बेटा उनके साथ रहना नहीं चाहता। पापा और बेटे अक्सर लड़ाई करते रहते, उन दोनों के बीच में कुछ बनती नहीं। इन दोनों के बीच में उनकी माँ पिसे जाती है जो की पूरी तरह से तंग आ चुकी है। कुसुम की इच्छा होती है की पूरा परिवार साथ मिलकर आखिरी होली मनाए, उसके बाद जिसे जहाँ जाना है वो वहाँ चला जाए। कभी कभी ऐसा लगता है की एक ही घर में रहते हैं लेकिन कोई भी किसी को नहीं जानता। दो मंजिलों का घर तो बना लिया, कमरे भी बढ़ गए, लेकिन इस घर में न जाने सबने अपने अपने कमरों में अपने अपने घर बना लिए। मनोज बाजपेयी के इस डायलॉग ने घर घर की कहानी बताई, जहाँ लोग साथ रहकर भी साथ नहीं रह पाते, अब तो तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। माता पिता अपनी दुनिया में व्यस्त होते, बच्चे अपने में मस्त रहते, क्या कोई खुश रह पाता है? इसका जवाब अपने परिवार में खोज सकते हैं। ये हमारा घर था जो ईंट पत्थरों से नहीं बनाया था, जो कि रिश्तों से बनाया था, रिश्ते जो खून से नहीं बल्कि दिल से बने। मनोज वाजपेयी की माँ का ये डायलॉग उसकी मजबूरी को बयां करता, जो अपना पुश्तैनी घर बेचकर कहीं और अकेली रहना चाहती। परिवार के ऊपर फिल्म बनाने का राहुल चित्तेकर का कहना है कि समय बदलता रहता है और लोगों का दुनिया को देखने का दृष्टिकोण भी बदलता रहता है और अपनी फैमिली की तरफ देखने का भी बदलता है और विकसित भी होता है। मैंने घर घर की कहानी को फिल्म के रूप में बताने की कोशिश की जो कि हर एक लोगों को पसंद आएगी। मनोज वाजपेयी ने कहा कि ये फिल्म हमने बहुत ही प्यार से और सरलता से बनाई जो कि हर एक परिवार को पसंद आएगी। इस फिल्म में हमने परिवार के बीच में होने वाली नोकझोंक और बहुत सारी चीजें जो एक परिवार में होती है, इन सबको फिल्म में हमने बताने की कोशिश की। शानदार कलाकारों के साथ गुलमोहर फिल्म हर एक कैरेक्टर को अपना न्याय देती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।